आपने आलू टमाटर की सब्जी तो बहुत खाई होगी, पर क्या कभी आलू टमाटर का पराठा खाया है? तो चलिए आज हम बनाते हैं आलू टमाटर का पराठा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। सबसे पहले हम मसाला बना के तैयार करेंगे। उसके लिए एक छोटा चम्मच तेल गर्म करें, तेल आप अपने इच्छानुसार कोई भी ले लें। तेल गर्म होने पर आधी छोटी चम्मच हम छोटी वाली राई डालेंगे। राई को अच्छे से सिकने देंगे, फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, इसे भी हम मीडियम फ्लेम में सेक लेंगे दो से तीन बार चलाकर। अब इसमें एक मीडियम साइज का गाजर और आधी शिमला मिर्च, इन्हें हमने सर्व कर लिया है, इसमें डालेंगे और मीडियम फ्लेम में ही चलाते हुए सेक लेंगे जब तक कि सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। सब्जियाँ अब आप अपने इच्छानुसार कोई भी ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास हो वही ले लें। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, पर हमने नहीं डाला है क्योंकि सब प्याज नहीं खाते हैं। ये हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह से सीख चुकी है। और इसमें आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सेका हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जियों के साथ। ये हमने चार बड़े साइज के उबले हुए आलू को छीलकर ग्रेट कर लिया है, इसमें डालेंगे। आलू को ग्रेट करके ही डालें, उससे इसमें कोई लंप्स नहीं रहता है, जिससे कि हमारी रोटी अच्छी बन के तैयार होती है। आलू को डाल के अच्छे से मिक्स करें, फ्लेम को मीडियम में ही रखें, स्वादानुसार नमक डालें, नमक ध्यान से क्योंकि इसमें हमने चाट मसाला भी डाला है जिसमें कि नमक होता है, साथ ही साथ काला नमक भी डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स करें, मीडियम फ्लेम में चलाते हुए सेक लें। आलू के साथ सब्जी को, मसाले को अच्छे से मिक्स करें। ये हमारा मसाला रेडी है। मसाला आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी बना सकते हैं, जिस तरह का आपको आलू का मसाला पसंद हो वही बना सकते हैं। देखिए मसाला तैयार है, इसे एक बाउल में निकाल के एक साइड रखें और ठंडा होने दें। अब हम ये तीन मीडियम साइज़ के टमाटर को ले लेंगे। टमाटर जब भी ले बिल्कुल पका हुआ ले और लाल दिख के लें। इन्हें हम काट लेंगे इस तरह, छोटे छोटे पीसेस में काट लें इन्हें। इन्हें काट के एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालेंगे और पीस लेंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट प्यूरे तैयार कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ प्यूरे तैयार करें, देखिए इस तरह बिल्कुल स्मूथ प्यूरे तैयार कर लें। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं या फिर इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस टमाटर से डो लगाएंगे, जिसके लिए हमने एक कप आटा ले लिया है। इसमें इस टमाटर के प्यूरे को डालेंगे, साथ ही में हम नमक डालेंगे आधा छोटा चम्मच, जैसे कि हम नॉर्मल आटे में डालते हैं वैसे ही आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट होने में आसानी होती है। इन्हें डाल के थोड़ा थोड़ा टमाटर प्यूरे डालते हुए हम डो को लगा लेंगे। थोड़ा नरम डो लगाएंगे ताकि हम आलू का मसाला स्टफ़ करें तो आसानी से स्टफ़ हो जाए, रोटी हमारी फटे नहीं और आलू का मसाला बाहर ना निकले। पहले सारे टमाटर के प्यूरे को डालेंगे, उससे डो को लगाएंगे। इस तरह सारे टमाटर के प्यूरे को ऐड करके अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो को लगा लेंगे। थोड़ा गीला डो लगाएं ध्यान से, लेकिन बिल्कुल इस तरह गीला डो लगा के अब एक मिनट के लिए हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि डो हमारा स्मूथ हो जाए। डो को लगा के अब एक किचन टॉवल से अच्छे से ढक के 10 मिनट के लिए रख दें ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट बाद अब हम इसमें आधा चम्मच घी डालेंगे और फिर से एक बार अच्छे से मलाहार लगा लेंगे घी से। अब इस आटे में से हम एक पोर्शन लेंगे, जिस भी साइज़ का आपको पराठा बनाना हो इस हिसाब से आटा ले लें। इसमें सूखा आटा लगा के बेल लेंगे।
मसाला भी हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। मसाला अच्छे से ही स्टफ करेंगे, बंद करेंगे इसे, ऊपर से इस एक्स्ट्रा वाले को निकाल देंगे। इसे कभी भी इसमें दबाए नहीं, इसे निकाल दें तो आपका पराठा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। फिर से इसमें सूखा आटा लगा के पहले हाथों से इस तरह थोड़ा फैला लें, देखिए कितनी आसानी से फैल रहा है। अब बेलन से हल्के हाथों से बेलें। एक साइड तवा भी गर्म करने के लिए रख दें, इसे बहुत ज़्यादा मोटा ना बेलें। ये देखिए कुछ इस तरह बेल के हल्के गर्म तवे पे इसे डालें और एक साइड से अच्छे से सिकने दें। एक साइड से सिकने पे अब इसे हम पलटेंगे और घी लगा के अच्छे से सेकेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें, आप चाहें तो बटर से भी सेक सकते हैं, पर हम नॉर्मली घर में पराठे घी से ही बनाते हैं। दोनों साइड अच्छे से घी लगा के पराठे को लाल और क्रिस्प होने तक सेकिए। इस तरह उलट पलट करते हुए अच्छे से पराठे को सेकें, प्रेस करते हुए। इसी तरह सारे पराठे को सेक लें। कितना अच्छी तरह से पराठा सिका है, ये देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कितने अच्छे पराठे बनके तैयार हुए हैं। देखिए मसाला भी पूरे पराठे में कितनी अच्छी तरह से स्प्रेड है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।